का सेशन हम डेडिकेट करेंगे प्रोफेशनल बिजनेस क्या होता है। बेसिकली प्रोफेशनल कंपनी वो होती है जिसकी अपनी एक फिंगरप्रिंट हो। इसका मतलब जब संस्था का ओनर और संस्था दो अलग अलग पर्सनालिटीज हो। एज एन ओनर, एज ए लीडर, आपका सबसे बड़ा और सबसे प्रथम दायित्व ये है कि आप अपने कंपनी का एक अलग अस्तित्व क्रिएट करें, उसका एक मिशन क्रिएट करें, उसका एक विजन क्रिएट करें, उसका एक डायरेक्शन क्रिएट करें, उसकी वैल्यूज क्रिएट करें। जब बिजनेस अनप्रोफेशनल होता है या प्रोफेशनल पूरी तरह नहीं होता है तो वो कैसा दिखता है? इट इज बेसिकली अ शिप ऑन चॉपी वाटर्स। अनप्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स बिहेव लाइक द किंग। इसका मतलब मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मैं सबके ऊपर हूँ। द कंपनी इज बिलो मी, द टीम इज बिलो मी। आपकी एक तिहाई जिंदगी आप ऑफिस में निकालते हैं। इट इज योर ओनरशिप एज अ लीडर टू मेक इट वर्थफाइल फॉर देम। एंड हाउ डू यू मेक इट वर्थफाइल? यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ विजन, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव गोल्स एंड यू हैव अ प्लान टू मीट दोज गोल्स। आपकी संस्था में काम करने का तरीका होना चाहिए। अपने आप को आप कैसे कंडक्ट करोगे उसका लिखित में एक कंडक्ट पॉलिसी होनी चाहिए। आप लोगों को कैसे बुलाओगे, ऑफिस में गाली गलौज अलाउड नहीं है। दीज आर स्मॉल नॉर्म्स एंड रूल्स दैट यू नीड टू इंस्टीट्यूट एंड यू नीड टू बी द रोल मॉडल। हमारे महाराष्ट्र में कहावत है कि मतलब जो गाय होती है वो बेसिकली जिसका सिंग कम हो, छोटे सिंग हो, जो मारे नहीं, कम घास खाए और दूध ज्यादा दे। जनरली एम्प्लॉय के साथ भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है। जैसा भी आपने एक एग्जांपल दिया था कि एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसमें एक चीज का मुझे डाउट है कि ऐसे बहुत बार हमने देखा हुआ है कि एम्प्लॉय, इस तरह के एम्प्लॉय थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं या अपने लीडर की या मालिक की उतनी इज्जत करते नहीं है जितनी उन्होंने एक रिस्पेक्ट देनी है, हायरार्की को मानना है। तो इस सिचुएशन में फिर ये बैलेंस किस तरह से किया जाए कि उनका काम का भी ध्यान रखे और उनके एटीट्यूड को भी कंट्रोल में रखे? I think a lot of the issues are solved through creating norms and rules. So, Parveen sir, बहुत सारी संस्थाओं में rules और norms missing होते हैं. And it is not only a question about respecting the owner or the leader. It is about respecting everybody in the organization for what they bring, right? So, I think वो policies क्या allowed है, क्या allowed नहीं है, what will be tolerated in an organization? अगर आपने रूल के बाहर कुछ किया तो संस्था क्या करती है? मोस्ट केसेस में तो रूल्स नहीं होते हैं, और अगर रूल्स होते हैं तो वो फॉलो नहीं होते। सो यू हैव टू क्रिएट नॉर्म्स एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली यू हैव टू एनफोर्स नॉर्म्स। ऑलवेज लुक एट क्रिएटिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ सीखिए मत, उसको लागू भी करिए और अपग्रेड करिए अपने आप को।